स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन की कुछ घटनाएं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1919 को इंदौर में हुआ था और उनका पहला गाना 13 साल की उम्र से गाया था। पहली बार लता मंगेशकर ने वसंत जोगलेकर के द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हंसाल के लिए गाया था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता मंगेशकर फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को उन्होंने फिल्म से निकलवा दिया गया। लता मंगेशकर के परिवार में उनकी 4 बहनें और एक भाई था। लता मंगेशकर के पिता की मृत्यु जब वह 13 साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और परिवार को पैसों की किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसीलिए उन्हें फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पैसों की वजह से उन्हें मराठी और हिंदी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उन्होंने पहली फिल्म पाहिल मांगला गौर 1942 में की। लता मंगेशकर ने अपने जीवन की शुरुआत 1948 में पार्श्व गायिका में कदम रखा। तब इस क्षेत्र में नूरजहाँ, आमिर बाई, कर्नाटकी शमशाद बेगम और राजकुमारी की तूती बोलती थी। ऐसे में उनकी पहचान बनाने के लिए उनके लिए आसान नहीं था। इस बीच उन्हें काफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और उनका यही सफ़र। उनकी मृत्यु दिनांक 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हुई और उनके चाहने वाले चाहक भी बहुत हैं।